हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में रेडमी नोट 7 सीरीज़ के 3 डिवाइसेस के बारे में बात करने वाले हैं, रेडमी नोट 7, रेडमी नोट 7S एंड रेडमी नोट 7 प्रो के बारे में। तो यहाँ पर डेली कमेंट्स के थ्रू काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं कि रेडमी नोट 7 सीरीज़ के अंदर एंड्रॉयड 10 एंड MIUI 12 का स्टेबल अपडेट फाइनली कब तक रोल आउट किया जाएगा। और आप देख सकते हैं रेडमी नोट 7 ये डिवाइस है एंड MIUI 12 का जो चाइनीज़ बीटा रोम है वो हमने इसमें फ्लैश किया हुआ है। इसके साथ यहाँ पर गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए, एंड्रॉयड 10 का अपडेट आपको देखने को मिल जाता है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि फाइनली इंडिया में स्टेबल अपडेट MIUI 12 एंड एंड्रॉयड 10 का नोट 7 सीरीज़ के अंदर कब तक रोल आउट किया जाएगा और MIUI 12 के अंदर आपको क्या कुछ फीचर्स मिलने वाले हैं जब इस अपडेट को इंडिया में रोल आउट किया जाएगा। तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक आप देखते रहिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कीजिए ताकि Redmi Note 7, Note 7S, Note 7 Pro में कोई भी अपडेट आए तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो दोस्तों, अभी आपके डिवाइस में MIUI 11 आपको इंस्टॉल देखने को मिलता है। अगर आपको MIUI 12 के सुपर लाइव वॉलपेपर, सिक्योरिटी ऐप, कैमरा एप्लीकेशन, थीम एप्लीकेशन, गैलरी एप्लीकेशन, तो अगर आपको MIUI 12 के कुछ फीचर्स MIUI 11 के अंदर ही यूज़ करने हैं तो ये वाली वीडियो आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी। इसमें मैंने आपको MIUI 12 के सुपर लाइव वॉलपेपर, सिक्योरिटी ऐप, कैमरा, थीम एप्लीकेशन, गैलरी एप्लीकेशन, काफ़ी सारे MIUI 12 के फीचर्स MIUI 11 के अंदर इंस्टॉल करके दिखाए हैं। और गाइस, MIUI 12 और Realme UI का डिटेल में कंपैरिजन वाली वीडियो भी आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी, तो इस वीडियो के बाद आप जरूर से इन्हें चेकआउट कर लेना। मैंने आपको डिटेल में बताया कि कौन से UI में कौन से एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिलते हैं। तो गाइज, मैं आपको डिवाइस की सेटिंग्स में जाके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं MIUI 12 का जो चाइनीज़ बीटा रोम है वो हमने फ्लैश किया हुआ है एंड ऑल स्पेसिफिकेशंस के अंदर आप देख सकते हैं जो Redmi Note 7, Redmi Note 7S डिवाइस है उसमें आपको MIUI 12 के साथ चाइना में Android 10 का अपडेट रोल आउट कर दिया गया है। मतलब इंडिया में भी आपको MIUI 12 के साथ Android 10 का अपडेट मिलेगा और साथ में Note 7 Pro के अंदर भी MIUI 12 के साथ ही Android 10 का अपडेट आपको मिलने वाला है। और दोस्तों, अगर आप Redmi Note 8 डिवाइस को यूज़ करते हैं तो Redmi Note 8 डिवाइस के लिए भी चाइना में MIUI 12 के साथ ही यहाँ पर Android 10 का अपडेट रोल आउट किया गया है। तो दोस्तों, जल्दी MIUI 12 का अपडेट रोल आउट होने वाला है, तो भी आपको Redmi Note 7 सीरीज़ में MIUI 12 के अपडेट के साथ ही Android 10 का अपडेट देखने को मिलने वाला है। एंड गाइज, अगर हम बात करें MIUI 12 आपको Note 7 सीरीज़ के अंदर कब तक इंडिया में स्टेबल अपडेट देखने को मिलेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, Xiaomi के ऑफिशियल MIUI के इंडिया के ट्विटर अकाउंट पर आप देख सकते हैं Redmi K20 सीरीज़ के अंदर सबसे पहले बताया गया कि MIUI 12 का अपडेट देखने को मिलेगा। इसकी जो पायलट बीटा टेस्टिंग है वो यहाँ पर जल्दी स्टार्ट होने वाली है, इसके फॉर्म भी यहाँ पर निकल चुके हैं और मैंने अपने Redmi K20 Pro डिवाइस के लिए इस टेस्टिंग में अप्लाई कर दिया है। तो जैसे इंडिया में स्टेबल अपडेट रोल आउट होता है तो उसकी वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाएगी, तो चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, बताया गया कि 15 मई इसकी टेस्टिंग में अप्लाई करने की लास्ट डेट है और 19 मई को ग्लोबली यहाँ पर MIUI 12 लॉन्च होने वाला है, लेकिन इंडिया में कब तक लॉन्च होगा ग्लोबल के बाद इसकी इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है। लेकिन दोस्तों, इंडिया का जो MIUI का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उस पर बताया गया कि 15 मई तक टेस्टिंग के फॉर्म फिल करने के बाद 15 से 20 तारीख के आसपास K20 एंड K20 Pro सीरीज़ के लिए यहाँ पर कुछ ही सिलेक्टेड यूजर्स के लिए इंडिया में भी MIUI 12 के स्टेबल अपडेट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, इतना आप यहाँ पर मान के चलिए कि मई के मंथ में, मई के एंड से पहले पहले Redmi K20 एंड K20 Pro सीरीज़ के लिए इंडिया में स्टेबल अपडेट रोल आउट देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन सभी यूजर्स को एक साथ अपडेट नहीं मिलेंगे। एंड गाइज, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो नोट सीरीज़ के डिवाइसेज होंगे उनमें आपको मिड जून के आसपास से इंडिया में MIUI 12 के स्टेबल अपडेट रोल आउट देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर हम प्रॉपरली बात करें कि नोट 7 सीरीज में इंडिया में स्टेबल अपडेट कब तक मिलेंगे, तो जून की एंड तक आपको वेट करना पड़ेगा मैक्सिमम यहां पर Xiaomi जुलाई की स्टार्टिंग तक नोट 7 सीरीज के तीनों डिवाइसेस के लिए एंड्रॉयड 10 एंड MIUI 12 का अपडेट रोल आउट कर देगा। तो दोस्तों, मिड जून के आसपास से आपको नोट 7 सीरीज के तीनों डिवाइसेस के लिए MIUI 12 और एंड्रॉयड 10 के स्टेबल अपडेट इंडिया में रोल आउट देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही Redmi Note 7 सीरीज के लिए कोई भी फॉर्म आएगा टेस्टिंग के लिए तो वो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, डाउट्स है, वो भी आप पूछ सकते हैं, उनका भी रिप्लाई मैं आपको कर दूंगा। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप ज्वाइन कर लीजिए और आप डायरेक्टली MD Talk ऑफिशियल सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर, आपको चैनल मिल जाएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है, डाउट्स हैं, तो वो मुझसे आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अभी हम बात कर लेते हैं कि अपडेट के साथ आपको क्या कुछ फीचर्स मिलने वाले हैं, तो कुछ मेन हाइलाइटिंग फीचर्स मैं आपको बता देता हूं। तो
तो सबसे पहले गाइस आप देख सकते हैं जो इसका कंट्रोल सेंटर है एंड अब की बार जो एनिमेशन है कंट्रोल सेंटर की उसमें कमाल की एनिमेशन आपको देखने को मिलती है। जबकि जो MIUI 11 का नोटिफिकेशन पैनल है सेम MIUI 10 का भी था, तो ये अभी इससे सभी यूजर्स बोर हो चुके हैं। लेकिन गाइस अभी MIUI 12 के अंदर आपको कुछ अलग ही चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। सिक्योरिटी ऐप भी आप देख सकते हैं, इसका जो डिज़ाइन है वो आपको पूरा चेंज देखने को मिलेगा। हर एक चीज़ में आपको लाइव एनिमेशंस मिलने वाली है। और दोस्तों यूटिलिटीज़ का ऑप्शन आपको अलग से मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं गेम टर्बो मोड, सेकंड स्पेस, ड्यूल एप्स, वीडियो टूल बुक्स का फीचर आपको यहाँ पर मिल जाता है एंड वीडियो टूल बुक्स के अंदर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं जैसे आप वीडियो टूल बॉक्स को इनेबल करेंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आप इन एप्लीकेशंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं, आप कहीं पर भी इसे मूव कर सकते हैं एंड स्मॉल विंडो पर भी ये आपकी आ जाएगी एंड ये भी आप कहीं पर इसे मूव कर सकते हैं। अगर इसको आपको यहाँ पर इसको ऑफ़ करना है तो स्लाइड अप कर दीजिए, ऑटोमेटिकली ऑफ़ हो जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर माई डिवाइस के अंदर जो स्टोरेज का ऑप्शन है उसका जो एनिमेशन है वो भी यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। कमाल की एनिमेशन गाइज आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो आप कमेंट करके बताइए कि आप MIUI 12 के अपडेट के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और अगर हम बात करें कैमरा एप्लीकेशन के बारे में तो कैमरा एप्लीकेशन के फीचर्स आप देख सकते हैं, जो पहले आपको राइट साइड में मोर के अंदर ऑप्शंस मिलते थे अभी आपको स्वाइप अप करने पर सारे ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाएंगे। तो कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है और आप इसको यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं। जो जो फीचर्स आपको चाहिए यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, टिक आपको कर देना है, वो फीचर आपके ऐड हो जाएंगे। और दोस्तों आप स्वाइप अप करेंगे तो सारे फीचर्स आप यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। और गाइस यहाँ पर आप सेटिंग्स देख सकते हैं, कुछ ऐसी एनिमेशन यहाँ पर आपको मिलने वाली है जैसे आप यहाँ पर सेट करेंगे। और दोस्तों अगर आप जाते हैं यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर कस्टमाइज़ का ऑप्शन आपको मिल जाता है। जो कैमरा मॉड्यूल है आप स्वाइप अप चाहते हैं या फिर पहले जैसा MIUI 11 की तरह आप चाहते हैं कि राइट में ही आपको ये सारे ऑप्शंस मिले, अभी आप देख सकते हैं मोर के अंदर ही आपको सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अभी आपको स्लाइड अप नहीं करना पड़ेगा, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और गाइस अगर बात करी जाए वाटरमार्क के फीचर के बारे में तो सेटिंग्स में आप देख सकते हैं वाटरमार्क का ऑप्शन आपको मिल जाता है, कस्टम वाटरमार्क का ऑप्शन भी ऐड कर दिया गया है। इसके अंदर जो आप नेम चाहते हैं वो आप नाम यहां पर टाइप करके सेव कर दीजिए एंड फ़ोटो आप अगर क्लिक करते हैं तो वही नेम आपको यहाँ पर फ़ोटो में देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए गाइज़ आप देख सकते हैं। तो गाइज़ फाइनली रेडमी नोट सेवन एस के अंदर जो कस्टम वाटरमार्क का ऑप्शन है वो यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा गाइस आपको कैमरा के अंदर और भी काफ़ी सारे कमाल के भर भर के फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। वापिस चलते हैं सेटिंग्स में एंड आप देख सकते हैं जो कस्टम का ऑप्शन है काफ़ी सारे कस्टमाइज़ के फीचर आपको मिलते हैं। जो कलर्स हैं वो यहाँ पर पिक्चर्स के आप थोड़े बहुत चेंज कर सकते हैं जो कैमरा के हैं एंड पिक्चर्स को क्लिक करने की जो साउंड है आप अपने अकॉर्डिंगली उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो MIUI 12 के अंदर यार काफ़ी सारे कमाल के ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों जो MIUI 12 के जो मेन हाइलाइटिंग फीचर्स है उसमें मेन चीज़ ये है कि आपको हर एक चीज़ में एनिमेशन देखने को मिलने वाली है, चाहे वो आपके वॉलपेपर हो चाहे वो ऐप को ओपनिंग एंड क्लोजिंग एनिमेशन हो, तो हर एक चीज़ में आपको यहाँ पर एनिमेशंस मिलने वाली है। एंड गाइस जो MIUI 12 के सुपर लाइव वॉलपेपर्स है अर्थ एंड मार्स वाला वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। जो आपकी थीम एप्लीकेशन आप देख सकते हैं काफ़ी सारे नए वॉलपेपर्स यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं। एंड गाइज मैंने नोटिस किया है कि MIUI 11 में डिवाइस काफ़ी ज़्यादा हैंग हो रहा था, लैगिंग इश्यूज देखने को मिल रहे थे, लेकिन दोस्तों जब से MIUI 12 मैंने इंस्टॉल किया है तो स्मूथ परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है। और ये क्लोज्ड बीटा रोम है तो इसके अंदर आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है, तो आप सोचिए स्टेबल अपडेट के अंदर और भी कमाल की परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और गाइज MIUI 12 के साथ आपको फाइनली डिस्प्ले के अंदर डार्क मोड में सभी एप्लीकेशंस में डार्क मोड का सपोर्ट आपको मिल जाता है। जैसे आप डार्क मोड को ऑन करेंगे तो इंडिविजुअल ऐप्स का एक ऑप्शन आपको मिलेगा जिसमें आप देख सकते हैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के लिए भी डार्क मोड का सपोर्ट आपको मिल चुका है। तो गाइज आप देख सकते हैं जिस एप्लीकेशन में आप डार्क मोड को ऑन करना चाहते हैं उसमें आप ऑन कर सकते हैं, ऑफ करना चाहते हैं ऑफ आप कर सकते हैं, तो ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, चॉइस है। तो दोस्तों इस फीचर का सभी यूजर्स काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे थे तो फाइनली MIUI 12 के अंदर आपको ये फीचर ऐड देखने को मिलने वाला है। और गाइस जो पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का लेआउट आप देख सकते हैं वो भी आपको चेंज देखने को मिलेगा MIUI 12 के साथ। और गाइस आपको सेटिंग्स में स्पेशल फीचर्स के अंदर आपको MIUI 11 के अंदर दो तीन ही ऑप्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन अभी काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। लाइट मोड का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा जिसमें कुछ ही सिलेक्टेड एप्लीकेशंस आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। किड स्पेस का ऑप्शन आपको मिलेगा, सेकंड स्पेस, फ्लोटिंग विंडो,
दोस्तों फ्लोटिंग विंडो के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर कोई भी आपका मैसेज आएगा जैसे कि ये नोटिफिकेशन है, आपको सिंपली उसको पकड़ के स्लाइड डाउन कर देना है जैसे आप देख सकते हैं, एंड वो छोटी सी स्क्रीन पर ऑन हो जाएगा। एंड अगर आप उसको स्वाइप अप करते हैं तो और भी स्मॉल विंडो में ओपन हो जाएगा, एंड वापस से स्वाइप अप कर देते हैं तो वो यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं, हर एक एप्लीकेशन को आप यहाँ पर पीआईपी मोड में स्मॉल विंडो के अंदर स्क्रीन पर यूज़ कर पाएंगे। तो MIUI 12 का ये भी हाइलाइटिंग फीचर आपको मिल जाता है, वीडियो टूल बॉक्स का फीचर ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, एंड आप देख सकते हैं जो गेम टर्बो मोड है उसकी भी परफॉर्मेंस आपको कमाल की देखने को मिलेगी, उसके अंदर भी कुछ आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी एप्लीकेशंस को ऐड कर दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप PUBG प्ले करेंगे तो आप देख सकते हैं स्लाइड डाउन करने का ऑप्शन आपको मिल चुका है, एंड यहाँ पर WhatsApp, Facebook एंड Google Chrome वगैरह जैसी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस को आप गेम प्ले करते हुए भी कंट्रोल कर सकते हैं। और गाइज आपको MIUI 12 के अंदर लेटेस्ट चार्जिंग एनिमेशन भी देखने को मिलने वाली है, एंड काफ़ी सारे सिस्टम साउंड्स के फीचर आपको मिलेंगे, स्क्रीनशॉट कैप्चर करने की भी नई एनिमेशंस मिलने वाली है। तो इससे रिलेटेड जल्दी टॉप फीचर्स की वीडियो मैं डिटेल में बनाऊंगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज की वीडियो में के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत एंड टेक केयर।